अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ नक्के से कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी की तरफ। हमें जो सबसे पहले चीज़ें चाहिए, हम भुना मसाला बनाएंगे इसके लिए। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है साबुत धनिया 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, हमने खशखाश ली है 2 चम्मच, और उसके साथ हमने ली थी 6 से 7 जो है लाल मिर्चें। हमने खशखाश को धो लिया है, ठीक है, और उसको धोकर साफ करके अलग रख लिया है। हम यहाँ काली मिर्च के अलावा तमाम मसालों को भूनेंगे और उनको ग्राइंड कर लेंगे। हमने यहाँ पर जीरा, लाल मिर्च और धनिया को कर लिया है। अब हम खशखाश को भूनेंगे और उसके बाद इन तमाम चीजों को मिला के ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके भुना मसाला रेडी कर लेंगे। हमने सारी चीजें भून ली हैं काली मिर्च के अलावा, अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये देखें, इसकी ये फाइनल पिक्चर आई है। अब हमें कीमा चाहिए तकरीबन 1 किलो। आपने उसको धो लिया और उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा और चॉप करेंगे, क्योंकि ये हाथ का था तो थोड़ा मोटा था। हम इसे और चॉप करेंगे ताकि ये थोड़ा सा चॉप होकर अच्छे से टेक्सचर में आ जाए। ये देखिए, हमने कीमा चॉप कर लिया है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पर हमने 2 चम्मच बेसन लिया है जिसको हम भूनेंगे। भूनने के बाद हमने इसे अपने कोफ्तों के टेक्सचर में यानी कीमे में मिलाना होगा। उसके बाद हमें एक अनियन चाहिए जिसको हमने काट लिया है, ठीक है। भुना मसाला जो हमने बनाया था वो 4 से 5 मिर्चें, हमारा बेसन, 1/2 टेबल स्पून जायफल जावित्री और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। अब इन तमाम चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें प्याज और मिर्चों को ग्राइंड करना है, तो हम इन तमाम चीजों को ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसे हम कीमे में मिला देंगे। ये देखिए, हम इसे कीमे में मिला रहे हैं। अच्छा, अगर आप हाथ से मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से इवनली मिक्स हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। अब हमने अपने सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स अभी हमने मेंशन किए थे वो भी इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें हम 1 अदद अंडा डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप इसे हाथ से मिक्स कर लें, चाहे तो स्पून से मिक्स कर लें। देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब हमने अंडे बॉईल करने हैं। मैंने अंडे बॉईल करके आपको दिखाए हैं। मैंने यहाँ 4 से 5 अंडे लिए हैं। अब इस कीमे के अंदर हम इन बॉईल अंडों को रखकर इसको पूरा कवर कर देंगे। ये अच्छे से कवर हो गए, हमारे तमाम हरगिसी कोफ्ते जो है वो रेडी हो जाएंगे। अभी ये देखिए, हमारे हरगिसी कोफ्ते रेडी हो गए। अब बारी है इनको फ्राई करने की। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राइंग पैन को हमने गरम कर लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप ऑयल डालेंगे और इसमें इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये हर साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, कहीं से भी ये कच्चा नहीं रहे।
ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं और कितना खूबसूरत कलर आ गया है इनका फ्राई होके। ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। आपने बहुत एहतियात से करना है, ये टूटे नहीं। अब हम चलते हैं सालन की तरफ। इसकी ग्रेवी रेडी करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए उनमें हरी मिर्चें हैं, टमाटर है 2 अदद, फ्राइड प्याज है 1 बाउल। इसके अलावा मसालों में हमारे पास साबुत धनिया है 1 चम्मच पिसा हुआ, लाल मिर्च पाउडर है 1.5 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अब हम अपने पैन में तेल लेंगे और तेल को हम गरम करेंगे। हमने इसमें 1/2 कप ऑयल लिया है, इसको हम गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो इसके अंदर अदरक लहसुन लहसुन का पेस्ट डालकर उसको सॉटे करेंगे। इसको थोड़ा देर के लिए हम भूनेंगे और उसके बाद इसमें तमाम चीजें जैसे कि टमाटर, फ्राइड अनियन और जितने भी हमारे ड्राई मसाले थे वो ऐड कर देंगे। इन तमाम चीजों को ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा से पानी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इतना भूनेंगे, इतना पकाएंगे कि तेल जो है वो मसाले से सेपरेट हो जाए। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे अब हम और इसको पकने देंगे। चाहे तो ग्रीन चिलीज एंड में डाल लें या अभी डाल लें, ये आप पर डिपेंड करता है। अब आप इसे पकने देंगे। ये देखें मसाला जो है उसने तेल छोड़ दिया है। अब बारी है इसमें कोफ्तों को डालने की। हम इसमें कोफ्ते डालेंगे और उसको थोड़ी देर इसमें पकाएंगे। थोड़े से पानी डाला है ताकि सालन में थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए और अब इसको हम 7 से 10 मिनट तक पकाएंगे। ताकि पानी जो है वो ठीक से मिक्स हो जाए सालन में। और ये देखिए हमारे नई देसी कोफ्ते रेडी हैं, कितने मजे के लग रहे हैं। इसे जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।